Hello friends, this is the first chapter of political science. What is democracy? Why democracy? In today's video, we'll learn the definition of democracy and we'll study the different features of democracy. So, chaliye aaj ka lesson shuru karte hain. The word democracy comes from a Greek word, jisko bolte hain demokratia. Greek mein डीमोस का मतलब होता है पीपल और क्रातिया का मतलब होता है रूल. इन दोनों को मिलाकर बनता है वर्ड डेमोक्रेटिया, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं. इस बात से हम यह कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं. पर अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है? क्या ये डेफिनेशन काफी है डेमोक्रेसी का मतलब समझने के लिए? एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स इलेक्शंस इज नॉट डेमोक्रेटिक. वो हर गवर्नमेंट जिसमें इलेक्शंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो. उसके एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में आगे देखेंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? आई टेल यू. हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो फ्रेंड्स, सिर्फ ये कह देना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, इस तरह के क्वेश्चंस रेज करता है. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? मतलब इस डेफिनेशन में जिन रूलर्स की बात हुई है वो कौन है? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? वो कौन से लोग हैं जो रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और खुद भी एज अ रूलर इलेक्ट हो सकते हैं? What kind of a form of government is democracy? Democracy आखिर किस तरह की government है? हम इन सारे questions को answer करेंगे इस video में. So let's see, democracy का first feature क्या है? First feature को समझाने के लिए हम एक example का सहारा लेंगे. So friends, in Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरी कंट्री पर एक मिलिट्री अटैक किया 1999 में, जिसमें उन्होंने ओवरथ्रो यानी कि हटा दिया एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और उन्होंने खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. ऐसा करने के कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने आप को इस कंट्री का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया. इसके बाद 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम होल्ड करा, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट को अपने आप ही 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया. ऐसा करने पर पाकिस्तान में जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा ये डिसीजन मैल प्रैक्टिस यानी गलत तौर तरीकों और फ्रॉड पर बेस्ड है. इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को ये राइट दिया कि वो किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. ये लॉ पास करने के बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए. इन इलेक्शन से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट हुए जिनके पास कुछ पावर थी, लेकिन फाइनल पावर सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी और जनरल मुशर्रफ के पास थी. नाउ फ्रेंड्स, पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हुए, बट द फाइनल पावर डज नॉट रेस्ट विद द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करे थे उनके पास फाइनल पावर नहीं थी, वो फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते थे. तो इससे हम आते हैं डेमोक्रेसी के पहले फीचर पर, जो कि है
In a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, आखिरी फैसला लेने की पावर उनके पास होनी चाहिए जिन लोगों को लोगों ने इलेक्ट किया है. इन पाकिस्तान्स केस, दिस इज क्लियरली नॉट द सिचुएशन. पाकिस्तान के केस में आप देख सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है. इसलिए इलेक्शंस होने के बावजूद पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. ये तो था डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर. अब सेकंड फीचर की बात करते हैं एक अलग एग्जांपल के साथ, जो कि है चाइना का. फ्रेंड्स, चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए. चाइना के पार्लियामेंट को कहते हैं क्वांगुओ रेनमिन दायाबियो दाहू, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस. इस पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. लेकिन यहाँ पर किसी भी इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है. सिर्फ वही लोग जो मेंबर हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, या फिर उन छोटी छोटी 8 पार्टीज के जो कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइड हैं, उनसे मिली हुई हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनाती है. फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम मेक्सिको का. मेक्सिको में भी हर 6 साल बाद इलेक्शंस होते हैं एंड अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. लेकिन 2000 तक हर इलेक्शन को PRI, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ही यहाँ पर जीतती थी. ईयर 2000 तक जो भी पार्टी PRI के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ी होती थी वो कभी भी जीत नहीं पाती थी. इसका पहला रीजन ये था, द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. PRI डर्टी ट्रिक्स यूज करता था, अनफेयर मीन्स यूज करता था इलेक्शन जीतने के लिए. ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस had to attend its party meetings. जो भी लोग government offices में काम करते थे उन्हें इस party की meetings को attend करना होता था. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. Government schools में जो teachers थे वो force करते थे लोगों को PRI के लिए वोट करने के लिए. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. जो मीडिया और जर्नलिस्ट थे वो दूसरी पार्टीज की कोई भी बात को इग्नोर करते थे. सिर्फ उनकी बात तब होती थी जब उनको क्रिटिसाइज करना होता था. समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, व्हिच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स. कभी कभी लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर दिया जाता था जिससे लोगों को वोट करने में डिफिकल्टी होती. और फाइनली PRI अपनी कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती. सो इन दोनों एग्जांपल से हम अपने सेकंड फीचर पे आते हैं डेमोक्रेसी के, जो कि है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन फेयर और फ्री तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, जहां पर वो लोग जो अभी पावर में हैं वो भी हार सके. चलिए अब थर्ड फीचर की बात करते हैं. हमने बहुत बार पढ़ा है कि बहुत सारी कंट्रीज में स्ट्रगल हुए हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पाने के लिए, जिसका मतलब होता है वोटिंग राइट्स. फ्रेंड्स, ज़्यादातर कंट्रीज में वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिखते हैं. अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट करने का राइट नहीं था. एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी find it difficult to get the right to vote. Estonia में citizenship के rules इस तरह बनाए गए हैं
कि रशियन माइनॉरिटी को बहुत डिफिकल्टी होती है वोटिंग राइट्स गेन करने के लिए. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन ऑफ एन इंडियन फिजी. यानी कि फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह है कि इंडिजिनियस फिजी के वोट की ज्यादा वैल्यू है देन इंडियन फिजियन. फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि इन सभी जगहों पर इक्वालिटी नहीं है. तो हमें थर्ड फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का. इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. एक डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट को एक वोट मिलना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए. अब बात करते हैं हम अगले फीचर के डेमोक्रेसी के, जो कि हम पढ़ेंगे जिम्बाब्वे के एग्जांपल से. जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस मिल गई थी. सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANU-PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. तो जिस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट वाइट्स लीड किया था, वही पार्टी तब से वहां पर रूल कर रही थी. द लीडर ऑफ दिस पार्टी वॉज रॉबर्ट मुगावे. इन्होंने रूल किया था जिम्बाब्वे को सिंस इंडिपेंडेंस टिल 2017. नाउ फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट मुगावे वॉज पॉपुलर. ये प्रेसिडेंट बहुत ही पॉपुलर थे बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. लेकिन ये इलेक्शंस जीतने के लिए इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे. इनके टर्म के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाए गए जिससे प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज करा जाए और उन्हें लेस अकाउंटेबल बनाया जाए. जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में इनके अगेंस्ट होती थी, उनके लोगों को हरास किया जाता था, तंग करा जाता था और उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट किया जाता था. यहाँ तक कि टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. टेलीविजन और रेडियो को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और सिर्फ वही पॉइंट ऑफ व्यू देती थी जो कि रूलिंग पार्टी का था. इन सब और कई ऐसी और मैल प्रैक्टिसेस की वजह से इस पार्टी का लीडर पॉपुलर तो था, लेकिन इस पार्टी को एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कहा जा सकता. इस एग्जांपल से वी हैव द लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेट की गई लिमिट्स से और सिटीजंस के राइट्स को ध्यान में रखते हुए. सो आफ्टर लुकिंग एट दीज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, let us define democracy in a complete sense. Democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions. Rulers, जिन्हें लोगों ने elect किया होता है, वो सभी major decisions लेते हैं. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. Elections provide करते हैं एक फ्री और फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों को कि वो करंट रूलर्स को चेंज कर सके. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. ये चॉइस और ये अपॉर्चुनिटी हर इंसान को इक्वालिटी के बेस पे होनी चाहिए. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स. इस एक्सरसाइज से जो गवर्नमेंट चूज की जाती है वो लिमिटेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स और सिटीजंस के राइट्स के द्वारा. दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर टुडे. आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. लेट्स टेक अ लुक कि हमने आज इस लेसन में क्या क्या सीखा. हमने डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जाना. हमने बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में भी बात की और हमने डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े. फ्रेंड्स, आप घर जाकर
अपनी बुक में से ये फर्स्ट चैप्टर जरूर रीड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।